खुदा में खर्च करने से माल घटता नहीं। मेरे और आपके आका मौला ने एक मुकाम पे कसम फरमा के तीन चीज़ें बयान फरमाई, उसमें से एक चीज़ हुजूर ने इरशाद फरमाई कि जो शख्स माफ़ कर देता है, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि उसकी इज्जत कम नहीं होगी। दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि जो मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाज़ा खोल देता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है। हालात सख्त भी हों, अगर काबिले बर्दाश्त हों तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए ताकि सवाल की आदत ना पड़े। इंसान मखमसे की हालत में हो, मजबूर हो जाए तो वो एक अलग बात है, मखमसे की हालत में सवाल जायज़ हो जाता है, लेकिन अगर हालत मखमसे की ना हो तो फिर सवाल नहीं करना। थोड़ी सी मुश्किल आई और अनाज बढ़ते हुए देखा तो खुद भी सवाली बन के जाके खड़े हो गए, जबकि हमारे घर के अंदर इतना कुछ मौजूद था कि हम गुजर कर सकते थे, लेकिन मुफ्त का माल है लिहाजा कोई हर्ज नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान इसका आदि बन जाता है। अल्लाह उस वक्त से बचाए कि हम मोहताज हों और हमें अमलन उस जगह पे आना पड़े। अल्लाह सबको महफूज फरमाए, लेकिन अगर हालात कुछ तलख भी हों तो फिर भी अगर आप देखें अपने आप को कि क्या हम ऐसी जगह पे तो नहीं है कि हम सवाल करने जाएं, तो बाहर एक माहौल देख करके तो लपक पड़ना, तो इससे आपकी तबा के अंदर सवाल की आदत पैदा होगी। तो इसलिए जो मांगना शुरू कर देता है फिर उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा बंद नहीं होता, इल्ला यह कि कोई सख्त मजबूर हो जाए तो शरीयत उसको उसकी इजाज़त देती है। तीसरी बात, मेरे और आपके आका मौला ने जो कसम करके कही, मा नकसा मालु अब्द मिन सदका, कि सदके से बंदे का माल कम नहीं होता। आपका अकाउंटेंट कहता है कि अगर इतने पैसे इतनों से निकाल दिए गए तो बाकी इतने बचेंगे, कैलकुलेटर का हिसाब भी यही है, लेकिन मेरे महबूब फरमाते हैं कि मैं जमानत देता हूँ कि सदके से माल कम नहीं होता। तो इसलिए तुम राह खुदा में खर्च करोगे तो मेरा रब कह रहा है खैर अल्ले अनफुस, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हें लगता है कि इतने कम हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारा माल सदके से घटता नहीं है, सदके से तुम्हारा माल बढ़ता है। और अल्लाह ताला जल्ला शानु एक का 10 गुना अता करता है, 70 गुना अता करता है, 700 गुना अता करता है, फरमाया अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा अता कर दे। और फिर फरमाया इन तुक्रिदुल्लाह करदन हसना युदाइफहु लकुम, अगर तुम अल्लाह की राह में कर्जे हंसना दो तो वो दुगना करके देगा। अच्छा, ये कैसा अल्लाह का अंदाजे बयां है कि खुद माल दे के खुद कह रहा है मुझे कर्जा दो और फिर खुद कहता है मैं दुगना दूंगा। दिया हुआ किसने है? उसी ने। और कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया है उससे मुझे दो और मैं फिर उसको अपने दिए हुए माल से दिए गए माल को दुगना करके तुम्हें लुटाऊंगा। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया व यग़फिर लकुम, और तुम्हें बख्श भी दूंगा। वल्लाह शकूर हलीम, वो शुक्र गुजार भी है और हिल्म वाला भी है। अल्लाह अकबर, वो बुर्दबार भी है, वो तुम्हारा शुक्र गुजार भी होगा, तुम्हें दुगना करके भी देगा, तुम्हारी मगफरत भी कर देगा और तुम्हारे माल में कमी भी नहीं आने देगा, और ये बेहतर भी तुम्हारे लिए होगा। ये तुम्हारी आजमाइश थी, तुम्हारा माल तुम्हें देकर तुमसे मांगा, और जिसके लिए मांगा उसको अल्लाह डायरेक्ट भी तो दे सकता था, लेकिन कहा कि उसकी आजमाइश है कि उसको गुर्बत की भट्टी में डाला गया, तुम्हारी आजमाइश यह है तुम्हें फरावानी दी गई। अब देखिए कि वो आजमाइश में पूरा निकलता है, तुम आजमाइश में पूरे निकलते हो, दोनों आजमाइश में पूरे निकलते हैं, या फिर तुम नामुराद और नाकाम हो जाते हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ला शानहु पूरे आलम के ऊपर फैली हुई वबा को दूर फरमाए, बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा की खैर करे और मेरे वतन पाकिस्तान को अमन का, नूर का, रहमत का गहवारा बनाए और यहाँ निज़ाम रसूल की बहारें पैदा करे। अल्लाह हमें मुआशी बहरानों से निकाल के मईशत का इस्तेहकाम अता करें और एक दूसरे के लिए जज्बा एहसास, जज्बा हमदर्दी और राह खुदा में खर्च करने का जज्बा फरामा हमारा मकसूम करें।